चैनल माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेक ओवर सो गाइस आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ रॉयल एच डी ब्राइडल मेकअप जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ है मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था मैम पॉन्स बेबी क्रीम से आप एच डी ब्राइडल मेकअप बताएं सो so, लीजिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है और ये ब्राइडल मेकअप लुक बहुत अच्छा है इस रियली में ये बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है आप फाइनल लुक देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है सो so, अगर आप सीखना चाहते हैं कि बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ किस तरह से आप इस तरह के रॉयल ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पहली बार आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा सो चलिए स्टार्ट करते आप इनका बिफ़ोर देख लो ये कैसी लग रही है सो मैंने क्लिनजिंग कर दिया था और टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैरासाइन की स्किन टोनर ये बहुत अफोर्डेबल टोनर है ये हमारे पार्लर में आपको ईजीली मिल जाएगा और अगर मार्केट में आप लेना चाहते हो तो जॉब्स के लिए लीजिएगा बहुत अफोर्डेबल में अब मैं सबसे पहले आई मेकअप करूँगी तो मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की कंसीलर जो कि मैंने 140 फोर्टी में परचेज़ किया था गाइस अमेज़ोन से ठीक है आपको ये हमेशा डिस्काउंट पे मिल जाएगा 140 150 या फिर 200 के रेंज में 200 से ज़्यादा ये बिल्कुल नहीं है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ पूना स्टोर की वो भी बहुत अफोर्डेबल है फिर मैं कॉम्पैक्ट ले रही हूँ मेवलिन की फिटमी कॉम्पैक्ट जो कि डेढ़ या दो की है और अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ सो so गाइज आप सबसे पहले आई मेकअप ही करें तो इससे क्या होता है आपका बेस एकदम क्लीन रहता है अब आई शेडो पैलेट के लिए यूज़ कर रही हूँ वेड एंड वाइट की आई शेडो पैलेट और ब्रश के लिए पूना स्टोर की ब्लेंडिंग ब्रश उसमें से ट्रांजिशन कलर को पिक कर रही हूँ आप देख रहे हो ये दोनों शेड मैट है तो मैं इसे अपनी जो हमारी क्रीज होता है ना वह बफ करके ब्लेंड कर रही हूँ और ध्यान रखें इनकी आइज़ आप देख लीजिए कैसी बहुत छोटी आइज़ थी गाइज ठीक है तो इस आइस पे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है मेकअप करने में क्योंकि आपको थोड़ा आइस बड़ा दिखाना होता है सो so, क्या करना है आपको क्रीज से हल्का ऊपर आपको ब्लेंड करना है देख रहे हो मैं क्रीज के ऊपर हल्का रखी हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ मैं अपने ना क्रीस को और मतलब डार्क दिखाने के लिए सेम डार्क कलर को पिक कर रही हूँ स्मॉल ब्लैंडिंग ब्रश और एग्जैक्टली बफ कर रही हूँ आप ब्लैंडिंग अच्छे से कीजिए अब मैंने क्लीन ब्रश लिया है एक सेम पूना स्टोर की ये ब्रश है और ब्लेंड कर रही हूँ ठीक है जो भी ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ और आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ बहुत अफोर्डेबल है ये मेकअप रिलेशन की एंजल आइशो पैलेट है नहीं एंजल नहीं ये दूसरी आईशेडो पैलेट है उसमें से डार्क ब्लैक कलर को लिया अगर आप ये वाला आई शेडो पैलेट नहीं लेना चाहते हो तो आपको स्विस बीटी में भी आ जाएगा और फिर से एक क्लीन ब्रश मैंने लिया है और आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्लैक कलर को डिपॉजिट किया और ब्लेंड कर रही हूँ थ्री बाय फोर्थ सिर्फ मैंने अप्लाई किया आप देख रहे हो किस तरह से मुझे इनकी आइज़ ना थोड़ी सी ओपन दिखानी थी सो डेट्स वाई मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है अब मैं हाफ़ कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ सेम स्विस बी का कंसीलर मैंने क्रीज़ पे बफ किया और इस तरह से कट क्रीज बना रही हूँ देख रहे हो इनकी आइज़ कितनी छोटी है आपको दिख ही रहा होगा मतलब ये सब आइज़ हुडेड भी बहुत होती है गाइज और बहुत छोटी होती है सो so आपको इस तरह से आई मेकअप करना है कि आपका आई मेकअप बड़ा लगे आइज़ बड़ा लगे आप सेम कॉम्पैक्ट की हेल्प से जहाँ हमने कंसीलर प्लेस किया था वह पैड कर रही हूँ ताकि हमारा कंसीलर सेट हो जाए आपने देखा मैंने ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ किया दो कलर को सिर्फ क्रीज पे दिया और आउटर कॉर्नर पे ब्लैक कलर को दे रही हूँ आप कंसीलर जब अप्लाई कर लो फिर एक बार से ब्लैक कलर दे दो क्योंकि कोई हार्श लाइन तब दिखाई देती नहीं है और हल्का ब्लेंड भी कर लीजिएगा अब मैं वेटन वाइल्ड की आई पैलेट में से सिल्वर कलर को ले रही हूँ यानी गोल्डन है और एक आपको पीच कलर मिलेगा जो इनकी लहंगे की कलर है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ ये वाली ठीक है दोनों सेड को मिक्स करी और जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था ना एग्जैक्टली exactly वहाँ पे उसे अप्लाई कर रही हूँ बहुत इजी होता है आई मेकअप करना गाइस देखिए मेरी हाथ बहुत ज़्यादा फ्रेशन है सो क्या होता है मैं बताती हूँ हम लोग कैसा भी आई मेकअप करते हैं वो अच्छा टर्न आउट हो जाता है और बिगनर्स का अच्छा नहीं टर्न आउट होता है प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस जितना करोगे ना आपकी आई मेकअप उतनी अच्छी होगी अब मैंने गोल्डन कलर को लिया और पिंक कलर को लिया है और ज़्यादा ग्लिटर मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ एकदम तो लिटिल बिट ग्लिटर लिया है मैंने क्योंकि मुझे ना ग्लिटरी लुक नहीं चाहिए था आइज पे ठीक है हल्का हल्का ग्लिटर लेके पहले ब्रश की हेल्प से फिर फिंगर की हेल्प से ठीक है मुझे फिंगर की हेल्प से ज़्यादा अच्छा लगता है फिर से ब्लैक कलर को ले रही हूँ और इंटेंसिफाई कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर को इससे क्या होता है आइज़ बहुत बड़ा लगता है गाइज़ और ब्लैंड एकदम हल्के हाथों से कीजिएगा वरना मैशी हो जाएगा आपका आई मेकअप और वी बनाते हुए देख रही हूँ मैं वी बनाते हुए अब मेवलिन की स्केच लाइनर का यूज़ कर रही हूँ सो so, मैं एक अच्छा विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी और ये विंग लाइनर इससे विंग लाइनर बनाना बहुत इजी होता है देख रहे हो मैंने क्या किया बस इनर आउटर कॉर्नर पे एक लाइन को ड्रॉ किया और मिक्स किया और ध्यान रखिएगा होड़े राइस पे या छोटी आइज पे आई लाइनर मोटा नहीं लगाना है आउटर कॉर्नर पे मोटा लगा लीजिएगा बट जो हम सेंटर होता है ना उस पर मोटा नहीं लगाएंगे क्योंकि उनकी आइज ऑलरेडी दब जाएगी ठीक है ये बात का ध्यान रखना है आप देखो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग में से बहुत लोग कमेंट करते हो मैम प्रैक्टिस आई मेकअप घर में पर डे कीजिए वन मंथ आप रेगुलर करोगी ना मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ आप प्रो बन जाओगे पहले मैं भी शुरुआत में ना जब स्टार्टिंग में थी तो आई मेकअप ज़्यादा करती थी इसी के है हमारा हाथ फ्रेश हो जाता है अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है मेकअप करने में अब फिर से मैंने वही कलर को लिया है ब्राउन और ट्रांजिशन कलर जो मैंने लिया था और लोअर लेस्ट लाइन पे उसे मैं स्मच करते हुए लगा रही हूँ ठीक है आपको भी यही कर लेना है इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ अब मैंने ब्लैक कलर को लिया और अपने आईलाइनर को स्मच करूँगी मुझे ये वाला लुक बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद है मतलब मैं लाइनर को क्या करती हूँ स्मच कर देती हूँ मुझे क्या लगता है इससे आइज़ ओपन लगती है और खुली भी लगती है जिनकी छोटी आइज़ रहती है मैं उन पर ये वाला करती हूँ ट्रिक आपको पसंद है तो आप कर सकते हो नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो सो गाइज़ ये ऑप्शनल था उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वेटन वाइल्ड का काजल जो कि बहुत अफोर्डेबल वाइट काजल है ठीक है आप वाइट काजल यूज़ कीजिएगा का। जिनकी आईज हुडेड या छोटी रहती है इससे आईज ओपन लगती है और बिग लगती है आप आई मेकअप देख लो कितना प्यारा लग रहा है अब मैं मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ कर रही हूँ निविया की मॉइस्चराइजर जो कि वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर है अफोर्डेबल के साथ सिक्सटी या सेवेंटी रुपीज़ में आपको ईजीली मिल जाएगी और आज जो मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ ये है पूना स्टोर की ब्यूटी ब्लेंडर मैं आपको ना सारे प्रोडक्ट के नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप चेक कर लीजिएगा ठीक है प्राइमर के लिए यूज़ उस करी स्टेक और कि प्राइमर जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर अफोर्डेबल के साथ मतलब 300 350 में आपको पर्पल डॉट कॉम से इजीली मिल जाएगी और सिलिकॉन बेस्ट प्राइमर है तो गर्मियों के मौसम के लिए भी ये मेकअप बेस्ट है गाइज़ आप बिलीव नहीं करोगे थैंक यू मेरे सब्सक्राइबर को ही मैं बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बोला कि पॉन्ट्स बीबी से मैम मेकअप कीजिए और मैंने रियली में आज पॉन्ट्स बीबी से मेकअप किया था मेरा मेकअप बहुत फ्लॉलेस हुआ था गाइज बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी था बिल्कुल इन्हें पसीना नहीं आ रहा था स्वेट नहीं आ रहा था सो so गाइज मैं आईब्रो फिल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले रही हूँ आई शेडो पैलेट लिया है मेकअप एडोरेशन का उसमें से ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स करके आईब्रो को फिल कर रही हूँ क्योंकि प्राइमर अप्लाई करने के फाइव मिनट्स के बाद ही आपको कुछ भी लगाना है सो so, इस वजह से तब तक मैंने आईब्रो फिल कर दिया पॉन्स बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ ये सेड नंबर वन है ठीक है मैंने कितनी क्वांटिटी मिली आप देख लो ठीक है अब मैं क्या करूँगी पूरे फेस पे पहले इस पर स्प्रेड करूँगी इस तरह से और रियली बता रही हूँ इस आप इस मेकअप को ट्राई कीजिएगा अपनी ब्राइडल को भी मैं आपको इस टेक्निक में जिस टेक्निक में मैंने की है प्राइमर सब अच्छे से अप्लाई कीजिएगा मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ आपका मेकअप गर्मियों के मौसम में भी बिल्कुल भी बहेगा नहीं या क्रैक नहीं लगेगा या फिर फटाफटा -फटा नहीं लगेगा और ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ जो कि पूना इस्टोर किए वन हंड्रेड में आपको आराम से मिल जाएगी गाइस ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप लोग ना अगर बिगनर्स है तो मेरी सलाह ये लीजिए कि आप ब्यूटी ब्लेंडर जब भी यूज़ करते हो पहले तो वेट कीजिए ब्यूटी ब्लेंडर को ठीक है और फिर अच्छी से डैबिंग मोशन में ब्लेंड कीजिए एंड टाइम लेके फाइव मिनट्स आपको लग रहे हैं लगने दीजिए बट आप टाइम लेके करो बिगिनर्स फर्स्ट टाइम ब्राइडल मेकअप कर रहे हो ना तो मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ पहले मैं घबरा जाती थी जब भी मेकअप करती थी अब मैं ना थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ करती दी हूँ आप अपने में कॉन्फिडेंस लाइए ओके अच्छे से ब्लेंड करने के बाद स्विस ब्यूटी की कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले अप्लाई किया था ठीक है मैं होगा तो आपको ना सीड सारा दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरह से हम कंसीलर को अप्लाई करते वी बनाते हुए ठीक है आप देख रहे हो किस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ और आप क्या कीजिएगा ज्यादा लाइनर अप्लाई करते हो ना उसके थोड़ी नीचे भी आप अप्लाई कर दीजिएगा इससे हमने जो आई अप्लाई किया था अगर वो आपको एक्स्ट्रा लग भी गया होगा ना तो वो रिमूव हो जाएगा नोज़ पे दे दीजिएगा फिर फोरेड पे आईब्रो के पास और अपने क्यूपेड्स बोन पे देखिए ये हम कंसीलर का लाइट सेट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो दबा हुआ पार्ट होता है ना वो उभरा हुआ लगे इसीलिए इसे हम हाईलाइटिंग भी बोलते हैं ठीक है कंसीलर एज ए हाईलाइटिंग भी वर्क करता है गाइस ठीक है आप इसे ब्लेंड कीजिएगा ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जैसे मैं कर रही हूँ आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं बट ब्रश जब भी यूज़ करती हूँ उनका इज़ तो अच्छी ब्रांड की कीजिएगा और अच्छे ब्रांड में पैक की आती है जैसे तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा पाँच या आठ सौ के रेंज में पड़ जाएगा सो तो मैंने सोचा मैं आप लोग अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स से आज बता रही हूँ तो इस वजह से मैंने सारा कुछ अफोर्डेबल यूज़ किया है आई शेडो पैलेट तक अफोर्डेबल है गाइज़ सो आप देख सकते हो बहुत ही इजी मैं अपना ब्राइडल मेकअप की टब बना लूँगी आप इस वीडियो वीडियो को देख के अगर मेकअप करते हो तो मुझे टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल में आपको डिस्क्रिप्शन में किस तरह से हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ बेस बहुत फ्लॉलेस एंड डुई लग रहा है see, आप अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया आप देख रहे हो मेरी टेक्निक को मैं एक अच्छे से ब्लेंड करती हूँ उसके बाद कॉम्पैक्ट लिया है मेरबिन फिटमी का पहले मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही थी बट अगर आपको मोर कवरेज चाहिए तो आप क्या करो स्पंज लो और स्पंज में कॉम्पैक्ट को लीजिए और इस तरह से डैब डैब पूरे फेस पे कीजिए ये आपको ना एक तरीका से मैं कुशन फाउंडेशन होता है ना गाइज़ या फिर पाउडर फाउंडेशन उस तरह का वर्क करेगा और पूरा का पूरा फेस मैटिफाइंग हो जाएगा गर्मियों के मौसम में क्या होता है पसीने की प्रॉब्लम हम होती हो, हो पसीने की प्रॉब्लम हमें होती है गाइज सबसे ज़्यादा तो आपका वो दूर होगा मेरी सलाह लीजिए इस तरह से अप्लाई कीजिएगा अपने कॉम्पैक्ट को ओके और थैंक यू आप लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि मैम आपकी समझाने का तरीका बहुत अच्छा है तो मुझे आप लोग के कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैन को सब्सक्राइब आप कीजिए क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तब तक मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा सो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज सब्सक्राइब शेयर दिस वीडियो अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउजर एलेक्ल्स की जो बहुत अफोर्डेबल है दो सौ चालीस रुपये की है इससे मैं ब्राउजिंग करूंगी इस तरह से अपने क्लाइंट को बोलिए पाउट बना लेने और मैंने आपको कहाँ दिखाया मार्क देख रहे हो जहाँ हमारी ईयर की स्टार्टिंग होती है वहाँ से आपको लेना है और ये कॉन्ट्रोल ब्रश है ठीक है ये ब्रश भी बहुत अफोर्डेबल है गाइज मैं इस ब्रश का कभी रिव्यू शेयर कर दूंगी अलग से ठीक है इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूना स्टोर की दिखाई है वो भी बहुत अच्छी है फोर पे कुछ इस तरह से देखिए मैं फोर एय क्यों अप्लाई कर रही हूँ आपको ना शी बना के करना है देख रहे हो यानी कि कॉन्टोर से सी बनाते हुए लाना है जो लाइन से और जहाँ आपने कॉन्टोर किया है यानी ब्राउजिंग किया है हॉल ऑफ द चिक पे वहाँ सबको फोरेड पे करना है देख रहे हो इस तरह से देखो सी बनाते हुए हाँ फोरेड से मिला के एकदम आपको घुमा देना है इससे क्या होता है आपका फेस अच्छा लगता है स्कल्पटेड लगता है नोज़ कॉन्टोरिंग कर रही हूँ पतले ब्रश से ठीक है इस तरह की पतली ब्रश ले लीजिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए देख रहे हो इस तरह से ठीक है और नोज के नीचे वाले पार्ट में भी कीजिएगा इस तरह से देखो वरना क्या होगा वो एक्स्ट्रा दिखाई देता है तो वो अच्छा नहीं लगता इस तरह से मतलब मैं ब्राउन्जर से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ गर्मियों के मौसम में क्रीम प्रोडक्ट अवॉइड करके पाउडर प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए तो मेकअप मेल्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं ठीक है और इस तरह से ब्लेंड कर दीजिए ब्रश की हेल्प से ताकि कोई भी हार्श लाइन और एजेस दिखाई ना दे ब्लैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी मेकअप करो ब्लैंडिंग अच्छी होनी चाहिए तो आपका मेकअप फ्लॉलेस लगता है ब्लस के लिए मैंने कोई सा भी ने एक्स्ट्रा कुछ लिया है सेम मेकअप रिलेशन के आइशो पैलेट में से मैंने पिंक कलर को पी किया आप बिलीव नहीं करोगे ये आयशेडो पैलेट मैंने लगभग तीन साल दो साल नहीं डेढ़ या दो साल पहले लिया है और बहुत मल्टीपर्पज़ में इसे यूज़ करती हूँ बहुत अफोर्डेबल है गाइज मैंने ये आठ में डिस्काउंट में लिया था ठीक है बड़ी वाली जो मैंने आप लोग को दिखाई है ब्लश को अप्लाई कर देने के बाद मैं फ़िक्सर का यूज़ कर रही हूँ जो कि वेटर्न वाइल्ड का है ये भी बहुत अफोर्डेबल फ़िक्सर है हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के की उसमें से सारा सेड को मैं ले रही हूँ ठीक है और फैन ब्रश की हेल्प से पहले मैंने अप्लाई किया सो so गाइस अगर आपको फ़ैन ब्रश से डिज़ायर अमाउंट नहीं मिलता है ग्लो नहीं मिलता है तो आप इस तरह की ब्रश ले लीजिए और ब्लश के जस्ट ऊपर उसे अप्लाई कीजिए और क्यूपेड्स बोन पे और लिप्स के ऊपर जाम सेप देते और नीचे में और नोज के पास फोरेड पे और गाइस हमेशा ध्यान रखें एक बात कॉन्टोर या ब्रॉन्जिंग ब्लश और हाईलाइटर तीनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहता है तो कोई भी चीज़ अलग से नहीं दिखना चाहिए तीनों को आपको इस तरह से लगाना है कि मर्ज लगे ठीक है मस्करा के लिए यूज़ कर रही हूँ मेवलिन की मस्करा जो कि बहुत अफोर्डेबल है मेरी बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा और देखिए गाइज मैं ज़्यादा चेंज प्रोडक्ट नहीं करती हूँ जो मुझे पर्सनली पसंद आता है मैं यूज़ करती हूँ और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मतलब मेरे पास ये प्रोडक्ट ये वर्क नहीं करेगा आपके पास टैलेंट होना चाहिए या फिर आपका हाथ अच्छा होना चाहिए आप सस्ता प्रोडक्ट से भी करोगे तो मेकअप अच्छा होता है क्योंकि आप देख सकते हो मैंने जो बेस आज बनाया है कितना अफोर्डेबल बेस था कंसीलर डेढ़ सौ का था पॉन्स बीबी क्रीम आपको अस्सी रुपये में आ जाएगी तो और क्या चाहिए इससे सस्ता क्या हो सकता है गाइज सेम मस्करा को ब्राउ पे भी लगा लीजिएगा इससे ब्राउ की सेट हो जाती है लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक इन दिस मौका जो कि बहुत अच्छा कलर है गाइस बहुत मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया आप रेड भी लगा सकते हो बट मैंने ना थोड़ा सा इन्हें ना लुक चेंज लुक मतलब न्यू टाइप का दिया था सो मुझे ना रेड लगाने का मन नहीं था ठीक है तो आप रेड भी लगा सकते हो आपकी मर्ज़ी पे पिंक भी लगा सकती हो क्योंकि इनकी आउटफिट पे पीच और पिंक मिक्स थे ठीक है बट मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था और इनकी आइज़ मेकअप के साथ भी बहुत अच्छे से जा रहा था आपको कैसा लगा ये वीडियो अभी तक आप लोग अगर देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए गाइस क्योंकि आप लोग लाइक करोगे तभी ना मुझे मालूम चलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है नहीं हाइलाइटर इनर कॉर्नर बोन पे हाई लगा लीजिएगा ठीक है इससे आइज ओपन लगती है सो गाइस कंप्लीट लुक मैं ज्वेलरी पहना रही हूँ और हेयर स्टाइल बनाने से पहले ही ज्वेलरी अपने क्लाइंट को पहनाइएगा ठीक है उसके बाद मैं क्या करूँगी आईलिस अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने आईलिस अप्लाई नहीं की थी ठीक है सीन की लेसेज है ये और ग्लू के लिए यूज़ कर रही हूँ डुबो की ठीक है आपको कुछ नहीं करना है आईलैस में ग्लू लगाना है कम से कम एक मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर उसे सिंपली टक कर देना इस तरह से आप फाइनल लुक देख लो मेकअप कंप्लीट है मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ मैं बस सिंपल हेयर स्टाइल बना रही हूँ मैं स्क्रिम्पिंग कर रही हूँ ईयर टू ईयर सेक्शन में मिडिल सेक्शन करूँगी पीछे से बन बनाऊँगी अच्छे से ठीक है और कंप्लीट फाइनल रिजल्ट यही है ठीक है कैसी लग रही है मेरी ब्राइड आपको मुझे कमेंट करके बताइए बताइएगा मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी आपकी मैंने डिमांड पूरी की है बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ सो आपका फ़र्ज़ बनता है गाइस कि आप इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि मैंने आप लोग की डिमांड पे ही आज पहली बार पॉन्ट्स बीबी क्रीम से मेकअप किया था सो आपको तो लग ही रहा होगा कि बहुत ही ईजी मेकअप क्योंकि मैंने हर कुछ एकदम ध्यान रख के आप लोग को बताया है सिखाया है सो so, मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय